नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज बिहार विधानसभा में जातीय गणना से जुड़ी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग में सबसे गरीब भूमिहार समाज के लोग हैं। बता दें आपको कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 27.58% भूमिहार परिवार गरीब है। ब्राह्मणों में 25.32% परिवार गरीब है, जबकि राजपूतों में गरीबी की बात करें तो 24.89% गरीब परिवार है। 13.83% कायस्थ परिवार गरीब है, तो वही शेख में 25.94%, पठान यानी खान में 22.20%, सैयद में 17.61% गरीब परिवार है। कुल मिलाकर सामान्य वर्ग में 25.9% परिवार गरीब है। बिहार में जातिगत गणना रिपोर्ट आने के बाद स्वर्णों की दो बड़ी जातियां ब्राह्मण और ठाकुर यानी राजपूत में राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र के दौरान इसकी कमोबेश झलक देखी गई थी। हाल में ही बिहार के नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार बिहार में राजपूत की आबादी 3.45%, भूमिहार में 2.86%, कायस्थ 0.60% और ब्राह्मण में 3.65% है। चारों अग्रणी जातियों की आबादी इकाई में ही है। अगर लोकसभा में जातियों के आधार पर भागीदारी की बात करेंगे तो देखेंगे कि स्वर्णों में आने वाली जातियां राजपूत के साथ, भूमिहार के 3, ब्राह्मण के 2, अति पिछड़ा वर्ग के 7, एसएससी वर्ग से 6, यादव जाति से 5, कुशवाहा से 3, वैश्य से 3, कुर्मी और क्यास्त से 1-1 और मुस्लिम सांसद चुनकर आए हैं। तो अब आगे आने वाले चुनाव में देखना होगा कि किसको कितनी भागीदारी दी जाती है। जिस तरीके से बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज जारी की है, उसमें सब कुछ बताया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाया गया है। यहां तक कि अब जो फीसदी बताई गई है वो भी अब आप लोगों के सामने है, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।